वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ गनर मेडल, यानी कि जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं और नोबल प्राइज़ के भी अवार्डेड है 1974 में, फेमस इकोनॉमिस्ट गुनार मेडल या फिर इनको गनर मेडल के नाम से जाना जाता है। ये इनके बारे में आज इनके जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन बता देता है कि ये नोबल प्राइज़ विजेता 1974 में स्वेडिश इकोनॉमिस्ट के नाम से और पॉलिटिशियन भी थे, सोशल एडवोकेट के नाम से भी जाने जाते हैं ये, और इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया प्राइस थ्योरी में, एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने। और एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस के बारे में बात करी है, अनसर्टेनिटी के रोल के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो इनका एक बहुत कॉमन कंट्रीब्यूशन माना गया है, एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना गया है इनके आइडियाज़, इकोनॉमिक आइडियाज़ के थ्रू। अब इन्होंने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन, यानी कि एक एक डिपेंड से दूसरे डिपेंड की तरफ कन्वर्जन होना, वन इवेंट की तरफ से दूसरे इवेंट में चेंज आना और उसकी साइकिल को कंप्लीट करना, डेट इज़ क्यूमुलेटिव कॉसेशन। यानी कि क्या होगा इसमें कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर का जब डेवलप होता है तो इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कॉसेशन। इस क्यूमुलेटिव कॉसेशन को इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में वेस्टर्न कंट्री की डेवलपमेंट की थ्योरी में दिया है। मिडल जो वेस्टर्न है और जो साउथर्न वेस्टर्न है और जो नॉर्थर्न वेस्टर्न है, उस एरिया में जैसे इन्होंने डेवलप हुआ था, उस डेवलपमेंट का रीज़न इन्होंने जब पता लगाया तो इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कॉसेशन। अभी क्यूमुलेटिव कॉसेशन क्या है? क्यूमुलेटिव कॉसेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज डेवलपमेंट, वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड सर्विस सेक्टर्स इकोनॉमी फ्रॉम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट कैसे होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से लाइक एग्रीकल्चर के इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना इन्होंने ऑब्जर्व करा है। और वो कैसे करा है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एरिया और अर्बन एरिया या फिर टर्चरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, ये दूसरे एक दूसरे से डिपेंडेंट है। सो एक की तरफ से अगर यहाँ पे माइग्रेशन होता है लोगों का, पॉपुलेशन का जाना होता है, या फिर दूसरे के अट्रैक्शन से, जैसे अर्बन एरिया के अट्रैक्शन से रूरल एरिया के अंदर, यहाँ पे रूरल एरिया में से माइग्रेशन होता है अर्बन एरिया की तरफ, तो ये एक कन्वर्जन होता है। और ये साइकिल जब कब पूरी होती है? जब अर्बन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का पॉपुलेशन का आना होता है और जॉब के लिए, और बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ जाता है और बहुत सारे लोग है ना कंजेशन में हो जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है धीरे धीरे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो ट्रैफिक भी होता है और बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ होते हैं, तो वो धीरे धीरे वापस से बाहर की तरफ वो आने लगते हैं। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है और इसी साइकिल को इन्होंने बताया कि क्यूमुलेटिव कॉसेशन। सो द इवेंट आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंड है। अब वो कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। द इफेक्ट इन वन इवेंट इज कॉज्ड बाय चेंज इन अदर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि एक इवेंट में चेंज से दूसरे इवेंट में चेंज आना, जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आना लोगों का जॉब के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये सारा धीरे धीरे कंप्लीट करता साइकिल कैसे कि अर्बन एरिया के लोग भी रूरल एरिया में कई आते हैं, अर्बन एरिया के लोग भी स्प्रेड होते हैं अलग अलग एरियाज में, तो वो भी एक पूरी साइकिल करता कंप्लीट। और इस साइकिल को हम कॉसेशन यानी कि क्यूमुलेटिव कॉसेशन के नाम से जानते हैं। ये तो इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर मेन स्टेटमेंट दिया है कि वन सेक्टर इज डिपेंड ऑन अनदर सेक्टर, ये इनका मेन स्टेटमेंट है। यानी कि इसका मतलब है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से, या एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से, या फिर एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक के सेक्टर में चेंज आने से दूसरे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। एज पर मिडल, ड्यू टू लोकेशनल एडवांटेज सम ग्रोथ सेंटर ग्रोस फास्टर, दिस ग्रोथ सेंटर वर्क एज सक्शन पंप, इट प्रोवाइड अ बेटर रिटर्न टू द इन्वेस्टर, हैंस इट सक्स। अब इसमें क्या बता रखा है, एक लोकेशनल एडवांटेज की बात करी है। लोकेशनल एडवांटेज यानी कि कई एरिया ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ डेवलप्ड होता है, वो डेवलप्ड एरिया में
क्या होता है, एक तो रिसोर्सेज का एडवांटेज होता है, एक वहाँ पे सेटअप का एडवांटेज होता है। रिसोर्सेज का एडवांटेज होने के कारण और एक अच्छा सेटअप हो का एडवांटेज होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो आते हैं उस लोकेशनल एरिया के अंदर, उस लोकल एरिया के अंदर आते हैं, उस लोकेशनल एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हैं। और दूर दूर के जो रूरल एरिया के हैं या जो अलग अलग अंडर डेवलप रीजन के हैं वो सारे कहाँ पे आते हैं, उस लोकेशनल एडवांटेज का फ़ायदा लेने के लिए उस एरिया में आ जाता है और फिर वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो एक ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ सेंटर कहते हैं, जो एक तरीके से सेंटर, ग्रोथ सेंटर क्या काम करता है, फास्टर ग्रोथ लाने में काम करता है लोगों का जो कि काम करने आए हैं, एक बेटर रिटर्न की तलाश में आए हैं, जो एक इन्वेस्टर के रूप में आया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस लोकेशन की मेन चीज़ क्या है, उस लोकेशन की मेन चीज़ है कैपिटल और बेस्ट रॉ मटेरियल। ये अगर दो चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाती है तो तीसरी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। कैसे, वो एक अच्छी बेटर सर्विस देता है, जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी होती है, जहाँ सिटी होता है, एक अच्छा एक फैसिलिटी मिलती है वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, कम्युनिकेशन की, ये सारी चीज़ें जहाँ बेटर मिलेगी वहाँ लोग दूर दूर से आएंगे और उस लोकेशन को और एडवांटेज बना देंगे, क्योंकि वो लोकेशन पहले से ही एडवांटेज था लोगों के लिए, और एक एडवांटेज बना देंगे और फिर वहाँ पे फास्टर ग्रोथ होगा। सो एक बेस्ट एलिमेंट है सराउंडिंग का, एक लोकेशन की वजह से बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक तरीके से बेस्ट प्रोफेशनल भी यहाँ पे बढ़ता है, उस लोकेशन का फ़ायदा उठता है। अब वो लोकेशन का फ़ायदा कैसे उठाते लोग, वो लोकेशन का फ़ायदा उठाते हैं लोग माइग्रेन होकर, माइग्रेशन होकर, माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आकर, अंडर डेवलप रीजन से डेवलप रीजन की तरफ आके, और फिर वो अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो ये इन्होंने, गनर मिडल ने इस थ्योरी के अंदर बताया कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर में आता है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता ही है। वो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वो दो तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, उस इफ़ेक्ट के बारे में इन्होंने बताया। फर्स्ट है बैकवॉश इफ़ेक्ट एंड सेकेंड है स्प्रेड इफ़ेक्ट। बैकवॉश इफ़ेक्ट जो होता है वो, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं अंडर डेवलप के, वो आएंगे डेवलप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रीज़न है अंडर डेवलप का और एक रीज़न है डेवलप का, ये है डेवलप्ड एरिया और ये है अंडर डेवलप्ड एरिया। अब इस एरिया से लोग आएंगे इस तरफ और क्यों आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे सपोज़ करो ये रूरल एरिया है और ये अर्बन एरिया है, तो ये यहाँ से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्यों आएंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको बेटर फैसिलिटी चाहिए, स्कूलिंग चाहिए बच्चों के लिए, हॉस्पिटल अच्छी फैसिलिटी, हेल्थ सेंटर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा खाने की व्यवस्था, एक अच्छे रहने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें इनको चाहिए। तो ये लोग यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ थे, इधर आता है। अब ये जो डेवलप्ड एरिया है इन्होंने बताया ये और तेज़ी से डेवलप होगा, क्योंकि लोग आ गए यहाँ पे तो और तेज़ी से बढ़ेगा, लोग काम करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, करेंगे अपने वर्कशॉप को खोलेंगे, सेटअप बनाएंगे, जो बिज़नेस करना चाहते हैं या जो जॉब करना चाहते हैं वो प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ग्रोथ जितने करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर यूज़ करेंगे, लैंड लेबर कैपिटल का। तो ये एरिया जो है, ये वाला ये एरिया डेवलप है, वो और डेवलप होता जाएगा। अब बैकवॉश इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बैकवॉश इफेक्ट इस रीज़न पे पड़ेगा जिसको बोलते हैं बैकवॉश इफेक्ट, यानी कि एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट। इस एरिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा, इस एरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, इस एरिया का बिल्कुल मतलब एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर लोग रहते हैं, अगर इस एरिया में लोग रहते तो यहाँ का डेवलपमेंट और होता, बट बेटर फैसिलिटी के अट्रैक्शन से, लोकेशन के, लोकेशन एडवांटेज के अट्रैक्शन से, या फिर अच्छी फैसिलिटी के एक जो लालच होता है उस चीज़ को लेकर लोग यहाँ से माइग्रेन कर गए, तो यहाँ पे ग्रोथ फास्टर होगा और यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगा, इस एरिया में पड़ेगा अंडर डेवलप एरिया में एडवर्स इफेक्ट। और सारा कि सारा जो अट्रैक्शन है इस ह्यूमन बीइंग का वो ग्रोथ सेंटर पर चला जाएगा और ये और तेज़ी से ग्रोथ होगा। और ये जो है ये अंडर डेवलप रीज़न जैसे कि रूरल एरिया, इसके ऊपर बैकवॉश इफेक्ट यानी कि एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर स्टॉप लग जाएगा ग्रोथ का, यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैकवॉश इफेक्ट कहते हैं। बैकवॉश इफेक्ट यानी कि अंडर जो भी रीज़न है अंडर डेवलप है, अगर वहाँ से कन्वर्जन होता, लोग जाते हैं माइग्रेशन
कर जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो उस एरिया का डेवलपमेंट रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग कम रहेंगे तो कैपिटल कम रहेगा, कैपिटल कम रहेगा इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, कैपिटल फॉर्मेशन ना हो नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सेटअप क्रिएट नहीं होगा नया, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं क्रिएटिव माइंड लेकर आते हैं वो चीज़ें नहीं होगी। तो ये इन्होंने पूरा बैकवॉश इफेक्ट बताया। सो इट रेफर्स टू पुलिंग ऑफ ऑल डायनेमिक एलिमेंट्स ऑफ द ग्रोथ सेंटर फ्रॉम द सराउंडिंग लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो ग्रोथ है वो चल जाएगा, डेवलप्ड रीजन में और डेवलप्ड होगा और अंडर डेवलप्ड रीजन में ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया कि बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है। ये एक तरीके से लोकेशन का एडवांटेज है, लोकेशन की वजह से यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस या रीजनल इनइक्वलिटी आती है। दूसरा फिर इन्होंने बताया ये साइकिल बाद में वापस कंप्लीट होती है स्प्रेड इफेक्ट से। स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर स्प्रेड इफेक्ट यानी कि बिल्कुल बैकवॉश इफेक्ट का अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट, जिसको हम कह सकते हैं अपोजिट ऑफ बैकवॉश इफेक्ट, अपोजिट। अब क्या अपोजिट है यहाँ पे बैकवॉश इफेक्ट का? स्प्रेड इफेक्ट ये होता है कि जैसे सपोज कोई एरिया है डेवलप रीजन, उसमें बहुत सारे अंडर डेवलप के लोग आ गए, अलग अलग जगह से लोग आ गए, अब वहाँ पे बढ़ेगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा लोगों का बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, और लोग फिर उस बड़ी सिटीज़ से स्प्रेड होंगे यानी कि बटेंगे अलग अलग एरियाज़ में। सपोज़ करो ये जैसे एक एरिया है यहाँ पे बेंगलोर, उस बेंगलोर एरिया में से बहुत सारे लोग आ गए काम के लिए, मेन सेंटर हब है, लोकेशन एडवांटेज है, रिसोर्स अच्छे मिल रहे हैं, इनकम अच्छी है लोगों के पास, कैपिटल फॉर्मेशन तेज़ी से, इन्वेस्टमेंट तेज़ी हो रहा है से बढ़ा रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये लोग यहाँ पे आ गए, अब वो अलग अलग जगह जाएंगे क्योंकि लोग बढ़ गए तो लोग बटेंगे, स्प्रेड होंगे और ग्रोथ सेंटर से लेकर बड़ी बड़ी सिटीज से कम होते जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे छोटी छोटी सिटीज़ में, जैसे बेंगलोर के आसपास के एरियाज़ में चले गए या फिर अलग अलग सिटीज़ में चले गए, कोई मुंबई में चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई या फिर नासिक चला गया, या फिर कोई नागपुर वगैरह, या फिर कोई ईस्ट में चला गया, ऐसे अलग अलग जगह बढ़ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट। जब ग्रोथ ओवर हो जाती है, जब ग्रोथ एक लिमिट से ऊपर हो जाती है, ग्रोथ सेंटर में जब लोगों का पॉपुलेशन ओवर ड्यू हो जाता है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, ओवर कंजेशन हो जाता है, तो ये चीज़ क्या होती है, अलग अलग स्प्रेड होता है, फिर लोग वहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में बट के ही डेवलपमेंट कर पाते हैं क्योंकि वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, मेन एरियाज़ में ग्रोथ तो करते हैं लेकिन ग्रोथ उस स्पीड से नहीं कर पाते जितना पहले करते थे। तो ये होता है स्प्रेड होना, धीरे धीरे बढ़ जाना, तो ये फिर साइकिल को पूरा करता है, क्यूमुलेटिव कॉसेशन के साइकिल को, कि लोग जहाँ से आए फिर वो हो सकता है वहाँ पे वापस से वो बढ़ के चले जाए। तो ये रीजनल इनइक्वलिटी को कम करता है, ये रीजनल इक्वलिटी को लाता है, ये बैकवर्ड एरिया को डेवलपमेंट करने का एक मौका देता है, ये रिच से पुअर का जो डिफरेंस है वो ख़त्म करता है, इसको बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट। ड्यूरिंग द टाइम द ग्रोथ सेंटर और बिग सिटीज़ बिगेन टू डिक्रीज ड्यू टू द पॉल्यूशन एंड कंजेशन, इट लीड्स टू पुलिंग आउट द रिसोर्सेज फ्रॉम बिग सिटीज एंड देयर इज स्प्रेड ऑफ डेवलप ऑफ द सराउंडिंग रीजन अराउंड दिस ग्रोथ सेंटर। इसलिए वहाँ से स्प्रेड होके सराउंडिंग रीजन यानी कि अलग अलग रीजन जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको पूरा करता है ये। तो अब एडवर्स इफेक्ट किस पे आएगा, अब आएगा ग्रोथ सेंटर पर। तो ये एक होता है साइकिल पूरा, इस साइकिल को इन्होंने बैकवॉश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट के नाम से समझाया। किन्होंने समझाया? प्रोफेसर ग्रनर मिडल ने। तो ये हो गया हमारा बैकवॉश इफेक्ट और ये हो गया हमारा स्प्रेड इफेक्ट। सबसे पहले बैकवॉश इफेक्ट होगा, देन स्प्रेड इफेक्ट होगा, तो ये साइकिल पूरी चलती है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कॉसेशन। इन्होंने इस चीज़ को समझाया। अब इन्होंने कुछ पॉइंट बताया, जैसे एक रीजनल इम्बैलेंस जो होता है कि एक रीज़न की ग्रोथ से दूसरे रीज़न पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इन्होंने चार स्टेजेस में अपने मॉडल को समझाया। कौन से स्टेजेस में? सबसे पहले दिया है नो इंटीग्रेशन, यानी कि लोकेशन दूर रहती है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज यही होती है कि लोकेशन दूर रहती है, मतलब लोग दूर रहते हैं, लोकेशन कहीं और होती है। इन दिस स्टेज
जिसको हम क्या कहते हैं, नो इंटीग्रेशन। दिस स्टेज लोकेशन इज डिस्टेंस प्लेस्ड, इंटीग्रेशन इन दिस स्टेज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नो फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पॉइंट इन्होंने समझाया, क्या बताया कि सबसे पहली स्टेज क्या होती है कि लोग दूर रहता है, लोकेशन अलग लोग अलग, सेपरेशन जिसको कहते हैं, इंटीग्रेशन नहीं। यानी कि क्यों? क्योंकि यहाँ एरियाज़ का फ़र्क है, रिसोर्स कहीं और होता है और लोग कहीं और होते हैं, पब्लिक कहीं और होती है, एरियाज़ अलग अलग होता है। तो लोग दूर दूर रहते हैं, अपने एरिया में नहीं रहते हैं। जैसे रूरल एरिया अर्बन एरिया अलग अलग होता है, रिसोर्स कहीं और होते हैं, लोग कहीं और होते हैं। तो इसको बोलते हैं नो इंटीग्रेशन। और कनेक्टेड इसलिए होते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बाद में वो फिर जो सेकंड स्टेज है इसको बोलते हैं डिफ्रेंसीशन, फिर वो अलग अलग होते हैं, अर्बन एरिया के अंदर आते धीरे धीरे, और फिर अर्बन एरिया के अंदर आने के बाद जो बैकवॉश इफेक्ट कहाँ पर होता है, रूरल एरिया के अंदर। जैसे अंडर डेवलप एरिया में बैकवॉश इफेक्ट होता है समझ लीजिए, और डेवलप एरिया में इस इफेक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि बैकवॉश इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट कहाँ पड़ता है, रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में इफेक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और अर्बन एरिया तेज़ी से ग्रोथ होता है। फिर इन्होंने डिस्पर्जन स्टेज बताया जिसको बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट का स्टार्ट होना। स्प्रेड इफेक्ट का स्टार्ट होना इन्होंने बताया है कि यहाँ पे फिर वो जब तेज़ी से डेवलपमेंट होता है तो ओवर एक्टिविटीज़ या कॉम्पिटिशन बढ़ना या फिर कंजेशन या पोल्यूशन बढ़ने के कारण लोग स्प्रेड होते रहते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्पर्जन स्टेज। और लास्ट इन्होंने बोला है वापस से इंटीग्रेशन, यहाँ पे ओवरऑल इक्वलिटी आ जाती है। यानी कि चार वे में, फोर स्टेजेस में आपकी इक्वलिटी आती है। फर्स्ट नो इंटीग्रेशन, देन बैकवॉश इफेक्ट, देन स्प्रेड इफेक्ट, डिस्पर्जन, थर्ड फोर्थ लास्ट है इंटीग्रेशन। यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट बिग सिटी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यू टू डिक्लाइनिंग रिसोर्स बेस। जब रिसोर्स की कमी पड़ जाती है बड़ी बड़ी सिटीज़ में ओवर कॉम्पिटिशन बढ़ने से, ओवर पॉपुलेशन बढ़ने से, तो फिर वापस से वो स्प्रेड होते हैं। और इसी चीज़ को इन्होंने थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन के नाम से समझाया। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात करा गना मिडल के द्वारा इकोनॉमिक आइडिया, जिसमें बताया गया किस तरीके से क्यूमुलेटिव कॉसेशन होता है, एक एरिया डेवलपमेंट और दूसरे एरिया का अंडर डेवलपमेंट, फिर वापस उस एरिया का डेवलपमेंट होना। ये साइकिल को साइकिल ऑफ क्यूमुलेटिव कॉसेशन कहते हैं। तो ये आइडिया इन्होंने बताया है, और इस आइडिया के अंदर इन्होंने ये बताया कि रीजनल इक्वलिटी कैसे होती है, रिच पुअर का डिफ्रेंसिएशन कैसे ख़त्म हो सकता है। इस चीज़ों को इन्होंने एक पूरा प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने वेस्टर्न जो कंट्री के डेवलपमेंट उसके ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने बताया है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में तेज़ी से डेवलपमेंट कैसे हुआ और वो डेवलपमेंट फैला कैसे, उस चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कर जो इकोनॉमिस्ट हुआ है इन्होंने ये बताया है इस चीज़ को। तो ये एक इनका मेन आइडिया है, इस चीज़ को इनके द्वारा बताया गया है और ये इनका बेसिक मेन आइडिया माना गया है। सो आज इस वीडियो में हमने बात करा इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ गनर मिडल। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।